नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का XMT न्यूज में। एक फिल्म या एक टीवी सीरियल में कई किरदार होते हैं और इन किरदारों को कई कलाकार निभाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो किरदारों को इस तरह निभाते हैं कि एक छाप छोड़ जाते हैं। आज हम भी XMT न्यूज पर एक ऐसे ही कलाकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अब तक के करियर में कई टीवी सीरियल्स में काम किया और एक पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी टीवी सीरियल, बॉलीवुड और टीवी कमर्शियल एक्टर विनोद गोस्वामी जी की। विनोद गोस्वामी जी एक ऐसा नाम जिन्हें याद रखने के लिए आपको किसी एक या दो फिल्मों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ कई टीवी सीरियल्स और कई टीवी कमर्शियल्स में भी काम किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं विनोद गोस्वामी जी के कुछ टीवी कमर्शियल्स की एक झलक। लूट मची है क्या? बच्चा देखे कुछ भी रेट लगाओगे, सही बोलो। चलो 35। 30। अच्छा ले लो, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस। थैंक्स मामा। क्या बोलूं, अब तो सीख लेना ये सब। हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो कॉलिंग के साथ जब चाहे मिलो और गूगल डुओ। मम्मा बैग बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किसमें है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन। तो दोस्तों, ये थी विनोद गोस्वामी जी द्वारा किए गए अभिनय की एक झलक। आज विनोद जी XMT न्यूज के माध्यम से तमाम देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं विनोद जी का ये मैसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद गोस्वामी, फिल्म एंड टीवी एक्टर। XMT न्यूज की कड़ी मेहनत और उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस घड़ी में वो हमें ऐसे ही न्यूज दिखाते रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो हमसे अपील की है, हम देशवासियों ने उसका पालन करना है, लॉकडाउन को नहीं तोड़ना है, हम सबको अपने घर पे ही रहना है और इस लॉकडाउन को कामयाब बनाना है, हमें इस कोरोना को इस देश से भगाना है। वह मेरी सभी से ये अपील है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें, अपने पूरे देश को सुरक्षित रखिए। घर से मत निकलिए, कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।